दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप गूगल फॉर्म्स जो होता है आपने कोई एक फॉर्म बनाया है गूगल का उसको आप पी फॉर्म में अपने फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो वही गूगल फॉर्म ओपन कर लेना है अगर क्रोम में ओपन है आपके ऑलरेडी तो आप क्रोम ओपन कर लीजिए अदरवाइज आप सिंपली गूगल ड्राइव में जाइए ड्राइव में जाएंगे तो यहां पे होम ओपन होगा अगर नहीं ओपन होता है तो होम पे क्लिक कर लीजिएगा और यहां पे आपको जो है गूगल फॉर्म जो भी आपने बनाए होंगे वो आपको दिखा देगा जैसे यहां पर दिखा रहा है तो आपको उसी पे क्लिक कर लेना है जैसे ही आप उस उसपे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा ऊपर आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे आप इस पर क्लिक करिए इस पर क्लिक करते ही आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखा देगा आप इस पर क्लिक करिए और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया सा इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा ठीक है यहाँ पे जो भी जितने भी क्वेश्चन वगैरह आपके फॉर्म में होंगे वो सब यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा पी फॉर्म में अब आपको डाउनलोड करने के लिए इसको क्या करना है साइड में एक पी की बटन दिख रही होगी डाउनलोड की आप इस पर क्लिक करिए इस इसपे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे अपने आ, आ, मतलब फोन में सेव करना है तो अगर यहाँ पे रीनेम करना है तो फिर रीनेम कर दीजिए अगर रीनेम नहीं करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे ये आपके फोन में सेव हो जाएगा हम आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देते हैं ओके ये देखिए आ गया यहाँ पे हमने क्लिक किया ये ओपन हो गया पीडीएफ फॉर्म में तो इस टाइप से आप गूगल फॉर्म्स का पीडीएफ बना सकते हैं अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए